अभी एक्चुअली क्या है कि आज मेरे दोस्त आए हैं आनंद में, पहले जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं पहले आनंद रहता था और आनंद से आया उधर, तो आनंद वाले दोस्त अभी सब मुझे मिलने आ रहे हैं। सब नहीं, दो ही है, ज़्यादा नहीं है, तो अभी वो लोग वेट कर रहे हैं इनऑर्बिट मॉल पे, तो मैं वहीं पर मिलता हूँ अब आकर आगे। अभी हम आ चुके हैं इनऑर्बिट और यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, आपको भी दिखाओ। इनऑर्बिट हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है यहाँ। अब हमारे साथ प्रैंक ना हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग आए हैं या नहीं उसका कोई प्रूफ नहीं है मुझे। बस टूर एक इनऑर्बिट के बाहर से एक पिक भेज दिया था, उसमें भी वो तो नहीं दिख रहे थे, तो अभी हम अंदर जाकर दिखाएंगे आपको। यहाँ चेकिंग चल रही है, मैं इनऑर्बिट में आया हूँ, यहाँ फोटो पाड़ने तो आते हैं, फोटो पाड़ने आते हैं लेकिन वीडियो नहीं, फोटो भी अलाउ। तो अभी इनऑर्बिट से बाहर आ चुके हैं हम, और अंदर जाते हैं मुझे पता चला कि अंदर हम व्लॉग शूट नहीं कर सकते। ये बहुत अजीब है इनऑर्बिट में व्लॉग शूट करने, नहीं तो ये दो नंग थे जिनके लिए मैं आया था इधर, और मेरा हेलो गाइस कैसे हो, एक तरह से जो जानता है आनंद में इनको पहचानते ही हो गया। ये आनंद के प्रख्यात, ये इनके खुद की एक होटल है, और ये नल्ला है, इसके पास कुछ नहीं है, ये हुबाड़ा करना जानता है, पैसा पैसा हमारा कैसे किसी के पास से पैसा निकाल, ये उसको बहुत माहिर है ये। हाँ क्या आईओसीएल क्या जॉब करता हूँ ना? हाँ ये अमूल में जॉब करता था पहले, ये अमूल में पहले फायर सेफ्टी में जॉब करता था, और ये तो खुद के होटल के मालिक है, ये इसका इसका भाई कनाडा है, इसको हर महीने खर्च करने के लिए 10-12 लाख रुपए दे देता है, और ये वही इसका महीना पूरा इसी सोच में चला जाता है कि वो 10-12 लाख को खर्च कहाँ करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो ये हर महीने आनंद में एक प्रॉपर्टी खरीद लेता है। बहुत पैसे है मेरे पास, बहुत पैसे, बहुत पैसा है इसके पास, बहुत। मेरी गाड़ी उस तरफ रखी है। हाँ हो रहा है वो दोनों, साला गाड़ी कहाँ रखा है ये देखो, ये इतना बड़ा जगह है और इतना बड़ा जगह है, और उन्होंने गाड़ी ये आया, ये इतनी अंदर गाड़ी रखने का आइडिया तेरे को किसने दिया, तेरी इंस्पिरेशन क्या थी, तेरी इंस्पिरेशन क्या थी, ये क्या कर रहा, ये इधर से बंद होती है, भूल है भाई टांकी। तो गाइज इनको अलविदा कहने का वक्त आ चुका है, चल भाई मिलते हैं, चल अल्लाह हाफिज। जाकर आए लेकिन अंदर कुछ भी शूट करने नहीं मिला, वहाँ एक पंगा हो गया था, वो आपको मैं घर जाके बताता हूँ। तो हाय गाइस, एक्चुअली मैं गया था इनऑर्बिट, मेरे दोस्त आए थे आनंद से मिलने के लिए, कुछ दोस्त लोग आए थे तो उनसे मिलने के लिए मैं गया था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ उन्होंने कहा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी और यहाँ बिना परमिशन के आप शूटिंग नहीं कर सकते,
तो मैंने बात की आधा घंटा जैसा, मेरा वहीं वेस्ट हो गया बात करने में ही। और बातें की उनसे, उन्होंने ऐसा कहा कि आप ईमेल करो, उसमें सारी डिटेल लिखो, आप किस तरह के व्लॉग बनाते हैं, आपके चैनल का लिंक दो, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आपको परमिशन देंगे, ऐसा बोला है। और एक्चुअली ऐसा था कि आप अभी मैं प्रोसेस करने रहता तो शाम यही हो जाती। तो मैंने ऐसा सोचा है कि अब नेक्स्ट व्लॉग जब बनाऊँगा तो पर्टिकुलरली मैं एक पूरा दिन इन ऑर्बिट पर बनाऊँगा, तो उसके लिए मैं अभी परमिशन लूँगा थोड़ा टाइम बाद। और जो भी दूसरे लोग भी है जो इन ऑर्बिट पर व्लॉग बनाने जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसे व्लॉग बनाने नहीं देगा आपको। आपको मैनेजर्स के नंबर, ईमेल आईडीज और ये सब चाहिए, और उनसे कॉल पर बात करनी होगी कि मैं ये हूँ, मैं इधर रहता हूँ, मैं ये मेरी डिटेल है, ये मेरी यूट्यूब चैनल है, आप विज़िट कर रहे हो। और वो लोग विज़िट करेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे और उसके बाद करेंगे, क्योंकि ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आप कमाटी बाग में चले जाते हो वीडियो शूट कर लेते हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक अमाटी बाग हमारी पब्लिक के लिए गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ है। लेकिन जैसे कि इनऑर्बिट है, वो इनऑर्बिट पूरी प्राइवेट है, कोई किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ आप वीडियो नहीं बना सकते, ऐसा उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। और उनकी ईमेल आईडी पे मुझे अब मैसेज करूँगा मैं, और उसके बाद फुल ब्लॉग बनाऊँगा इनऑर्बिट पे। तो उनका सारी डिटेल्स मैंने ले ली है, और अगर किसी को जाना है तो पहले ये जान लेना कि इनऑर्बिट में आप व्लॉग छुपके से बना लोगे, बना भी लिया आपने, बट फिर भी उनके पास ये पावर रहता है कि वो आपका वीडियो हटवा सकते हैं वहाँ से। तो ये आप पूरी ध्यान रखना, क्योंकि इनऑर्बिट का वीडियो आप उतारोगे और यूट्यूब पे डालोगे तो नाम तो इनऑर्बिट ही रखोगे ना, और आपने परमिशन ली नहीं है इनऑर्बिट की, तो आपका वीडियो वहाँ से हटा दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बात है कि अगर आपको इनऑर्बिट में जाना है या कोई भी बड़े मॉल में जाना है, तो वहाँ के जो मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स है, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यही हुआ आज मेरे साथ, तो ये डिस्कस करनी थी थोड़ी, तो कर ली। अब आगे देखते हैं आज के दिन में और क्या क्या होगा। तो हाय गाइस, आज कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, और यही था आज का दिन। इनऑर्बिट गए थे, बाहर से शूट किया थोड़ा, अंदर तो जाने का मौका ही नहीं मिला, तो व्लॉग का एंड भी करने का वक्त आ गया। और कल मुझे कॉलेज भी जाना है, तो कॉलेज में बाहर बाहर से ऊपर ऊपर से मैं थोड़ा शूट कर सकता हूँ, लेकिन अंदर जो स्टाफ से बात करनी है मुझे, उनको भी शूट करना है, तो उसके लिए थोड़ी परमिशन वर्मिशन लूँगा, नहीं मिले तो नहीं भी शूट करूँगा। लेकिन कॉलेज के बाहर शूट करने के लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो आनंद जाना है मुझे, मैं प्राइवेट व्हीकल लेकर ही जाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे व्लॉग थोड़े लेट हो रहे हैं क्योंकि मैं अभी समझो कि थोड़ा कुछ सीख रहा हूँ, कुछ एडिटिंग वेडिटिंग सीख रहा हूँ, जैसे वंडरशेल फिल्म हो रहा है, वो सब एप्लीकेशन से काइन मास्टर तो सीख ही लिया है, तो उससे थोड़ा अपग्रेड्स में सीख रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे व्लॉग अभी मैं नहीं बना पा रहा। और बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।